नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। और हम पढ़ रहे थे फैक्टर्स, मैथ हमने स्टार्ट कर रखा था। इससे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पढ़ चुके हैं। तो कल वाली क्लास में जो थोड़ी वॉइस की प्रॉब्लम आ रही थी, साउंड की प्रॉब्लम आ रही थी, वो शुरुआत के 2 या 3 मिनट में आप उसको आगे करके देख सकते हैं, बिल्कुल सही चलेगी और अब प्रॉब्लम नहीं आएगी बच्चे वैसे, ठीक है। हमने स्टार्ट किया था फैक्टर्स गुणनखंड, और एक क्लास इसकी हो चुकी है, उसमें हमने पढ़ा था टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। और आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ एनी नंबर, यानी किसी भी नंबर के वो गुणज होंगे, उन गुणनखंडों की संख्या आपको बतानी होगी। और नंबर ऑफ फैक्टर विच आर परफेक्ट स्क्वायर एंड क्यूब, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम चलते चलेंगे आगे, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ पहले जो वीडियो थी वो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और उससे आगे हम चलेंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर देना बच्चे, उसको हम क्लियर करेंगे। तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, चीज़ें अच्छे से पढ़ेंगे और कमेंट करके बताना ज़रूर वीडियो कैसी लगी, ठीक है। अच्छी लगे तो शेयर भी ज़रूर करना। स्टार्ट करते हैं बच्चे, एग्जाम्पल हम वही उठाते हैं 200, ठीक है, शुरुआत से यही एग्जाम्पल हम उठा रहे हैं और इसी को लेकर के आगे चलते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जी नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 10, भी 200 में ऐसे गुणनखंड आपको बताने हैं जो 10 के गुणज हैं, ठीक है। तो आप क्या लिखते हो 200 को? 200 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ते हैं, तो क्या लिखेंगे? आप कहोगे कि जी हम लिख रहे थे इसको 2 की पावर 3, 5 की पावर 2, 8 25 8 होता है बच्चे 200, ठीक है। तो ये हो गया 25, ये हो गया 8। आप कहोगे हमें चाहिए जी मल्टीपल ऑफ 10, 10 के गुणज चाहिए। तो 10 के गुणज चाहिए तो इसमें से मैं क्या करूंगा, इसमें से मैं बाहर निकाल लेता हूं क्या 10। 10 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 की पावर 1 मुझे बाहर निकालना पड़ेगा और 5 की पावर 1 बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। 2 की पावर 1, 5 की पावर 1 हमें बाहर निकालना है, तो यहां से क्या बचा, 2 की पावर 2 बचा, 5 की पावर 1 बचा, ठीक है। अब वही फॉर्मूला आपको निकालना है, वही फॉर्मूले से आपको बता देना है कि जी नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे जो 10 के गुणज हैं, मल्टीपल ऑफ 10 हैं। तो आप यहाँ से इसको उठाओगे, जैसे हम इवन नंबर में उठा रहे थे, 1 2 के गुणज होने चाहिए वहाँ पर, इवन नंबर फैक्टर, टोटल फैक्टर ऑफ इवन नंबर ऑफ फैक्टर विच आर इवन की बात करें, या फिर आप ये कह सकते हो कि जी मल्टीपल ऑफ 2, तो वहाँ पर अगर 2 बाहर निकाल रहे थे तो यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 10 चाहिए, तो आप 10 बाहर निकाल रहे हो। तो आप कहोगे कि जी अब ये चीज़ें हमारे पास बच गई जो फैक्टर देंगी, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, और बाहर क्या है, बाहर है 10। अब ये 1 2 की पावर 0 क्या होगा, 1 होगा, ये 1 दोनों गुना हुए 1 ही आएगा ना, और वो 10 के साथ गुना होकर के 10 देगा, ठीक है। तो आप क्या कहोगे कि जी यहाँ से जो फैक्टर आ रहा है, पहला फैक्टर आ गया आपका 10, दूसरा फैक्टर क्या आएगा, 1 की मल्टीप्लाई करोगे 5 के साथ, ठीक है, 5 के साथ करोगे, उसकी 10 के साथ मल्टीप्लाई करने पे 50 आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 2 आएगा, 10 के साथ करोगे 20 आ जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करोगे 10 आएगा, 10 के साथ करोगे 100 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह 4 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करोगे 4 आएगा, 10 के साथ करोगे बाहर 40 आ जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करोगे 20 आएगा, 10 के साथ करोगे 200 हो जाएगा। टोटल कितने हुए, 2 4 6, यानी 6 फैक्टर आने चाहिए ऐसे। लेकिन हमें कैसे निकालने हैं, हमें पता है कि जी 10 हमने बाहर निकाल लिया, बाकी जो बचेंगे वही फैक्टर देंगे, यानी 3 नंबर यहाँ से है, 2 नंबर यहाँ से है, हर एक नंबर इन 2 नंबर के साथ मल्टीप्लाई होकर के 2 फैक्टर दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर
दो है तो तीन गुना दो, छः फैक्टर हो जाएंगे टोटल। और पी क्यू वाला लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो, पी की वैल्यू दो है, दो प्लस एक तीन हो जाएगा, और क्यू की वैल्यू एक है तो एक प्लस एक दो हो जाएगा। टोटल कितने फैक्टर आ जाएंगे, छः आ जाएंगे। तो मल्टीपल आपको निकालना हो तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन आपको इस तरह से दे, किसी नंबर ऑफ फैक्टर विच आर मल्टीपल ऑफ 25, 200 के ऐसे फैक्टर बताने हैं जो 25 के मल्टीपल है। आप फैक्टर लिखते हो क्या हो, ए 1, 2, 4, 5, और किससे डिवाइड होगा, 10, 8, 10, 20, 25, 40, 50, 100, 200, ठीक है। कितने हुए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, टोटल 12 होते हैं, ठीक है। 25 के गुणज होने चाहिए, उन फैक्टरों की संख्या आपको बतानी है, उन गुणनखंडों की संख्या बतानी है। तो आप कहोगे 25 होगा, 50 होगा, 100 होगा, 200 होगा, 4 होने चाहिए। लेकिन हमें निकालना कैसे, हम कहेंगे कि जिसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 की पावर 3, 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 की पावर 3, 5 की पावर 2 लिखेंगे। तो उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको 25 के चाहिए, तो आप इसमें से 25 बाहर निकालोगे, वो क्या आएगा, 5 की पावर 2 बाहर आ जाएगा, 2 की पावर 3 क्या रहेगा, अंदर रहेगा, ठीक है। और इसकी वजह से ही फैक्टर आने, तो आप क्या लिखोगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ठीक है। बाहर क्या है, 25 है, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 25 देगा, 2 के साथ होगा 50 देगा, 4 के साथ होगा 100 देगा, 8 के साथ होगा 200 देगा, ठीक है। हमें क्या करना है, ये p की वैल्यू है, p प्लस 1 टोटल फैक्टर हो जाएंगे, तो p की वैल्यू कितनी है, 3, 3 प्लस 1 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल तरीके से करना है आपको। अब आगे चलते हैं, अगर आपसे पूछे नंबर दिया हुआ हो 2160, ये नंबर दे दिया, और आपसे ये पूछ लिया जाए कि जी नंबर ऑफ फैक्टर विच आर मल्टीपल ऑफ 18, 18 के गुणज हैं। इसके क्वेश्चन भी हम आगे करेंगे, अभी जो बेसिक चल रहा है वो चीज़ें समझ लो, फिर क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे, आप खुद आंसर करोगे क्वेश्चंस के, ठीक है बच्चे। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 6 की पावर 3, 216 गुना 10 लिख सकते हैं ना, 216 गुना में 10, तो 6 की पावर 3 हुआ, 10 गुना में है तो ये क्या हो जाएगा, 5 गुना 2 गुना 5। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 2 गुना में 5, तो 2 की पावर कितना हो गया, 2 की पावर हो गया 4, 3 की पावर हो गया 3, 5 की पावर हो गया 1, ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमें क्या करना है, 18 के मल्टीपल निकालने, तो हमें 18 बाहर चाहिएगा ना, तो 18 बाहर चाहिए तो 9 गुना 2 होता है, तो 9 के लिए हम निकालेंगे 3 की पावर 2 बाहर, और 2 के लिए निकालेंगे 2 की पावर 1, बचा कितना, तो 2 की पावर 3 बच जाएगा, 3 की पावर 1 बचेगा, 5 की पावर 1 बचेगा। टोटल फैक्टर चाहिए, तो अब यहाँ से टोटल फैक्टर आएंगे, यहाँ से आएंगे तो p प्लस 1, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, q प्लस 1 तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और r प्लस 1 तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 8 दूनी 16। तो ऐसे कितने फैक्टर होंगे जो 18 के मल्टीपल होंगे, वो हो जाएंगे जी 16। आपको देखने हैं कौन कौन से होंगे, तो ये बाहर 18 है, इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, इसको लिख सकते हो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, इसको 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, ठीक है। आप कहोगे ये 0 0 0 मल्टीप्लाई होगा, पावर 0 है तो 1 1 1 1 हो जाएगा, एक तो हो गया 18। इसकी मल्टीप्लाई इस 3 के साथ करोगे तो कितना आएगा, 3 एकम 3, तो 3 को 18 से करोगे, 18 3 54, ठीक है। ऐसे अलग अलग आप निकाल सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ से आने वाले फैक्टर कितने हो जाएंगे, तो 4 यहाँ से 2 यहाँ से 2 यहाँ से, ये 4 नंबर है जो इन 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर के नंबर दे रहे हैं, तो वो हम बता देंगे 18 के मल्टीपल कौन कौन से होंगे, ठीक है। चलो अब चलते हैं नंबर ऑफ फैक्टर विच आर परफेक्ट स्क्वायर। विच आर परफेक्ट
स्क्वायर, जो उन गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी जो पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग अगर यहां से आप देख करके बताओगे तो आप कहोगे कि जी एक एक का स्क्वायर करें तो एक आता है, ये दो का स्क्वायर है चार, ये पांच का स्क्वायर है, ये दस का स्क्वायर है, और तो कोई है ही नहीं, तो एक दो तीन चार होने चाहिए। लेकिन हमें कैसे निकालना है, ये तो एक छोटा नंबर दिया हुआ है, बड़ा नंबर हो तो कैसे निकालोगे। तो आपको पता है कि जी यहां सबकी पावर दो है, यानी पावर क्या होनी चाहिए, स्क्वायर होने के लिए पावर इवन होनी चाहिए। अगर दो की पावर चार होगा तो वो भी तो स्क्वायर होगा ना, कंप्लीट पूर्ण वर्ग होगा, कंप्लीट स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, और छः की पावर आपने आठ लिख दी तो ये भी तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, यानी पावर क्या होनी चाहिए, पावर इवन होनी चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए पावर इवन होनी चाहिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं दो की पावर तीन, पाँच की पावर दो, प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर लिया। आप इसको क्या लिखोगे, आप कहोगे इसको हम ऐसे लिखते हैं जी दो की पावर जीरो, दो की पावर एक, दो की पावर दो, दो की पावर तीन, इसको लिखते हैं पाँच की पावर जीरो, पाँच की पावर एक, पाँच की पावर दो। अब परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए नंबर, तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए मैंने कहा कि जी पावर होनी चाहिए क्या इवन, तो ओड पावर को हटा दें, इवन रखेंगे। अब जीरो को हमने इवन में इंक्लूड किया था ना, तो जीरो को इवन में इंक्लूड किया था तो वो पावर कैसी है, फिर इवन है, तो जीरो को रखेंगे, इस ओड को हटा देंगे, इसको हटा देंगे, यहाँ से जीरो को रखेंगे, ये इवन है तो इसको रखेंगे। ठीक है, आप कहोगे कि जी यहाँ से परफेक्ट स्क्वायर कैसे आए फिर बताओ, तो परफेक्ट स्क्वायर देखोगे आप, ये दो की पावर जीरो है एक हो जाएगा, पाँच की पावर जीरो एक है, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे एक आएगा, इस एक की मल्टीप्लाई करोगे पाँच की पावर दो यानी पच्चीस से तो पच्चीस आएगा, चार की मल्टीप्लाई करोगे एक से तो चार आएगा, चार की मल्टीप्लाई करोगे पच्चीस से तो सौ आएगा। ये सारे परफेक्ट स्क्वायर है ना, ये एक का है, ये पाँच का है, ये दो का है, ये दस का है। ठीक है, लेकिन ये तो इसलिए हैं कि हमें निकालने हों, तो हमें तो नंबर बताने हैं ना सिर्फ कि कितने होंगे। तो कितनों के लिए आप क्या करोगे, आप कहोगे कि जी यहाँ पर दो नंबर हैं और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी दो हैं, तो दो गुना दो चार हो गया। ठीक है, अब इसका शॉर्ट तरीका क्या हो सकता है, आपको जब भी परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर बताने हों कि वो कितने हैं जो पूर्ण वर्ग हैं, वो गुणनखंड कितने हैं, तो आप कहोगे कि जी इस पावर को हमें उठाना है और इसको दो से भाग कर देना है, प्लस वन कर देना है, फिर इस पावर को उठाना है, दो से भाग कर देना है, प्लस वन कर देना है। दो से भाग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर टोटल तीन नंबर आ रहे हैं, तो भी हमें प्लस वन किस लिए कर रहे हैं, इस जीरो पावर के लिए, क्योंकि उसकी काउंटिंग यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से आया आपके पास 1.5, लेकिन इस पॉइंट वाले को नहीं लेना, हमें इस इंटीजर को लेना है, इस पूर्णांक को लेना है। ठीक है, सिर्फ इस पूर्णांक को उठाना है, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 1, और यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से तो पूर्णांक ही आएगा 1 आएगा, तो ये भी हो गया जी 1 + 1, टोटल कितना हो गया 2 × 2 = 4, आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, चलो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। सेकंड एग्जांपल मैं उठा लेता हूँ, पाँच हजार सात सौ साठ, इसके परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको बताने हैं। तो आप कहोगे जी ये 24 का स्क्वायर होता है, 576 अलग लिखूँ, 10 अलग लिखूँ, ये 24 का स्क्वायर, 24 तो 8 तीय 24 होता है, तो इसका स्क्वायर है तो इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, और ये दो गुना पाँच हो जाएगा, आठ क्या होगा दो की पावर तीन, और उसकी पावर दो है, तो दो की पावर छः यहाँ से होगी, एक यहाँ से होगी, दो की पावर सात, तीन की पावर दो, पाँच की पावर एक, ये हो गए प्राइम फैक्टराइजेशन, दो की पावर सात, तीन की पावर दो, पाँच की पावर एक। अब आपको चाहिए कि यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ऐसे फैक्टर कितने हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो सात को दो से भाग करोगे प्लस वन कर दोगे, दो को दो से भाग करोगे प्लस वन कर दोगे, एक को दो से भाग करोगे प्लस वन कर दोगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3.5 आ रहा है, आपको 3 उठाना है, 3 + 1, यहाँ से 1 + 1 हो जाएगा, यहाँ से ये 0.5 आया ना, तो 0.5 आया, इसका मतलब क्या है
कि यहाँ पर आपको इंटीजर उठाना है, वो क्या है जीरो, तो जीरो प्लस वन वन हो जाएगा। फोर इंटू टू एट, तो आपका क्या हो जाएगा, आठ आंसर हो जाएगा। जो परफेक्ट स्केयर नंबर होंगे, जो परफेक्ट स्केयर फैक्टर होंगे, वो कितने होंगे, वो आठ होंगे यहाँ पर, ठीक है। चलो अब बात करते हैं परफेक्ट क्यूब की। पूर्ण घन है, वो फैक्टर कितने हैं, तो आप यहाँ से 200 के निकालना चाहते हो तो आप कहोगे 2 की पावर 3, 5 की पावर 2 होता है। अब आपको ये देखना है कि परफेक्ट क्यूब कितने हैं, तो जो भी पावर होगी वो मल्टीपल ऑफ 3 होनी चाहिए। मल्टीपल ऑफ क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। जैसे 2 की पावर 3 है, परफेक्ट क्यूब है, 2 की पावर 6 है, 2 की पावर 9 है, तभी परफेक्ट क्यूब बनेगा ना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको करना है कि ये पावर क्या होनी चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3 होनी चाहिए। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, ठीक है। तो यहाँ से आप मल्टीपल ऑफ 3 देखोगे तो 0 को 3 से भाग करते हो तब भी तो रिमाइंडर 0 ही आता है ना, तो आप कहोगे कि जी ये भी मल्टीपल ऑफ 3 होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। यहाँ से 0 रखेंगे, 1 को काट देंगे, 2 को काट देंगे, ठीक है। टोटल कितने आने चाहिए, तो यहाँ से कितने हैं भाई, 2 हैं, और यहाँ से कितने हैं, तो यहाँ से 1 है, तो टोटल 2 हैं। कौन कौन से हैं, तो यहाँ से आप देख लो, एक तो ये रहा, एक ये रहा, बाकी कोई परफेक्ट क्यूब है ही नहीं, ठीक है। तो कितने फैक्टर होंगे, 2 ऐसे फैक्टर होंगे जो इसमें परफेक्ट क्यूब होंगे। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। यहाँ से निकाल करके भी देखोगे तो 1 आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। 1 और 8 तो परफेक्ट क्यूब है। अब आपको शॉर्ट तरीका क्या है, आप जहाँ पर 2 आपको इवन पावर चाहिए थी तो 2 से डिवाइड कर रहे थे, अब आपको मल्टीपल ऑफ 3 चाहिए तो आप 3 से डिवाइड करोगे प्लस 1 करोगे, इस 2 को 3 से भाग करेंगे प्लस 1 कर देंगे, ठीक है। यहाँ से तो 1 ही आया, ये तो है ही इंटीजर, 1 प्लस 1 हो जाएगा। ये 1 से कम आएगा, कितना होता है, 0.66 होता है, ठीक है। तो 0.66 होता है, तो यहाँ से इंटीजर उठाएंगे तो 0 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब अगर परफेक्ट क्यूब हमें इसके निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे, देखो सात 5760 को हमने क्या लिखा था, 2 की पावर 7, 3 की पावर 3, 5 की पावर 1, ये लिखा। अब परफेक्ट क्यूब निकालने हैं तो पावर को 3 से डिवाइड करना है, 7/3 प्लस 1 हो जाएगा, 3/3 प्लस 1 हो जाएगा, और 1/3 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा तो हमें इंटीजर चाहिए, 2 ले लिया हमने। यहाँ से तो 1 ही आएगा तो 1 प्लस 1, और यहाँ से 0.333 आएगा तो हम 0 उठाएंगे तो 0 प्लस 1 हो जाएगा। तो ये कितना है, 3 × 2 कितना हो गया, 6, ये तो 1 ही है, ठीक है, 3 × 2 = 6। तो ऐसे परफेक्ट क्यूब कितने होंगे यहाँ पर, तो परफेक्ट क्यूब होंगे जी 6। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी, समझ में आई होंगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम सम ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, और प्राइम फैक्टर की बात करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है बच्चे, तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियो में अच्छे क्वेश्चंस के साथ फिर मिलेंगे, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। इसमें इतना ही, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।